अलीगढ़ से बड़ी खबर। बाइक टकराने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के गांव बरोठा में करीब चार दिन पूर्व बाइक टकराने को लेकर कुछ युवकों के बीच वाद विवाद हो गया था, जिसमें ग्रामीणों के दखल अंदाज करने पर मामला शांत करा दिया गया। लेकिन आज सुबह जब एक पक्ष का युवक किसी कार्य से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रोककर गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। इसकी जानकारी जब उसके अन्य साथी और परिवारी जनों को हुई तो वह शिकायत लेकर मौके पर पहुंच गए, जहां दोनों ही पक्षों में बात करते करते विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों ही तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, फिर पथराव भी हो गया। इस दौरान गांव के ही किसी युवक ने छत से घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि पूरे गांव में लोगों के बीच बवाल की सनसनी फैल गई। कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए गांव से बाहर निकल आए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर इलाका पुलिस समेत भारी तादाद में कई स्थानों का पुलिस फोर्स और पीएससी पहुंच गई। इस घटना में करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर उपचार हेतु भेजा गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। घायलों का डॉक्टरी परीक्षण पुलिस करा रही है। गांव के माहौल को देखते हुए एहतियातन पुलिस फोर्स समेत पीएससी तैनात की गई है। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कौन लोग थे वो? हिंदू लोग थे। तो उसके भी जब भागा भागा आया लगा छोटा वाला। आपके कहाँ चोट लगी? तो मेरे जोड़ने में देखा पड़ता। किस जगह का मामला है? कब हुई थी घटना? सुबह। आज सुबह कितने लोग घायल हुए थे? कितने लोग घायल हुए इसमें? सर तीन। किन लोगों से झगड़ा हुआ था? कहाँ का मामला है? कौन सा थाना? थाना हरदुआगंज। किस बात पे लेके झगड़ा हुआ था? सर हम एक किन लोगों से होता झगड़ा? सर हरदुआगंज में एक मामला है जिसमें कुछ दो पक्षों में लड़ाई हुई, क्या मामला है? ये हरदुआगंज थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है बरोठा, वहीं पर आज जो है दो पक्ष आपस में लड़ गए थे। मामला ये था कि दो लड़के जो है वो मोटरसाइकिल से सिलेंडर लेकर जा रहे थे और इनका पहले से ही जो है दोनों पक्षों में कुछ हल्की तनावनी रहती है, उसी में आज किसी ने कुछ कमेंट किया होगा जिस पर कि दोनों पक्ष आपस में लड़ गए और इसमें तुरंत ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुँची और जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और अब जो भी जिस भी तरह की वो लोग कह देंगे उस पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कराकर इसमें आगे कार्रवाई। आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।